हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। मैं तो रेडी हो गई हूँ और मुझे जाना है अपने बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल लेने। तो मैं किरण दीदी से बोली थी, फिर किरण दीदी के यहाँ गई तो पता चला उधर कोई है ही नहीं। फिर सेकंड रूम में गई, उधर भी कोई नहीं था। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने पूछा दीदी कहाँ हो, तो उन्होंने बोला मैं तो चली गई आपको अकेले छोड़ के। फिर मुझे मैंने जो बोला ठीक है आप चले गए लेकिन मेरे को बता देते। तो फिर उन्होंने कहा भाभी बालकनी में आओ। बालकनी में गई तो बालकनी में देखा ओ वीडियोस जो है वो लोग अपना बना रहा था। और फिर मैंने सोचा चलो, दीदी ने बोला कि 10 मिनट बाद निकलेंगे, तो अभी हम तो घर पे ही हैं, अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे शॉपिंग करने। और मेरा बर्थडे आ रहा है, आई एम सो हैप्पी। 1 साल लगता है मुझे पूरा वेट करने में कि ओ माय गॉड मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब। तो फाइनली आज हो गया है 8 तारीख और मेरा बर्थडे है। आप लोग बताइए ना कब होगा। उसके बाद मैं आपको कंफर्म करूँगी। तो चलिए आज चलते हैं शॉपिंग करने और देखते हैं क्या क्या लेना है मुझे। तो मैं आ गई हूँ दीदी के रूम में, दीदी आ गई है। लेकिन हमेशा वाली जो बात है वो ये है कि ये लेट हो चुकी है, लेट दीदी लेट हो गई है। आज दीदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया अपना और भैया हमेशा की तरह आज भी बहुत लेट कर दिए, 1 घंटे लेट हो गए। हम बोल रहे हैं हम जिसको आप लोग टाइम देते होते डॉक्टर साहब होते तो चलता कि हाँ चलो होता है। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरे केस में नहीं है, हम मान ही नहीं सकते। आप चाय पिलाते आओ, अब लेट हो गया ना तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहले मेरे को मिठाई खिलाई, अब चाय पिलाएंगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, देख लो। सो फाइनली कितना टाइम हो गया दीदी? 4 नहीं भैया, 4 के आगे बताओ, 4:16 हो रहा है। 3 बजे का प्लान था, 4:16 पे हम लोग निकले हैं, 5 तक पहुंचेंगे, कितने बजे तक शॉपिंग करेंगे पता नहीं। सिंगापुर मॉल, मॉल यार भैया इसका रास्ता बहुत इजी है, मैं बता दूंगी। चलो सिंगापुर तक गाड़ी जाती है क्या? हाँ अंदर तक जाती है, बेसमेंट तक। तो अभी तो हम लोग है अपने अपार्टमेंट में और यहाँ से निकल रहे हैं सिंगापुर मॉल के लिए। चाइना से ही आओ तो मुंबई गाँव। हम लोग आ गए सिंगापुर मॉल और देखो देखो मैंने बोला था ना इधर बहुत बहुत सारे स्टोर बंद हो गए हैं। सो ये देखिए, एक समय ऐसा था जब ये मेरा फेवरेट मॉल हुआ करता था, लेकिन अब इतने सारे मॉल यहाँ पे स्टोर्स बंद हो गए हैं ना कि मतलब एकदम खाली खाली सा हो गया है। बट देखो ना क्या करोगे, ये देखो ऊपर में देखो ये पूरा बंद है, ये इधर भी बंद है, इधर भी पूरा मॉल ही खाली है यार। केवल PVR है, कोई मतलब नहीं सिंगापुर मॉल आने का। गाइस अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए, सारे के सारे स्टोर बंद है, केवल ये कुछ ही खुले हुए हैं। जैसे जेंट्स के अगर कपड़े देने हो एलन सोनी वगैरह के ब्रांड के तो वो वाले ही खुले हैं, बाकी लेडीज सेक्शन तो एक भी नहीं दिख रहा, इवन है ही नहीं। तो इस पूरे मॉल में केवल और केवल बिग बाज़ार ही शुरू है, जहाँ पे हम लोग अभी अनिका के लिए कपड़े देखेंगे, पसंद आया तो ठीक, नहीं किसी और मॉल चलेंगे, है ना दी? चलना पड़ेगा। गर्ल्स सेक्शन में जाओ, बॉयस बेबी गर्ल्स का तो यही है, इतना लिया कुछ भी नहीं और खाली हाथ जा रहे हैं। और उधर से हम लोग को जाने भी नहीं दिया, इतनी बदतमीजी है, खाली है तभी यह हाल है, भरा होता तो पता नहीं क्या होता। बट अभी हम लोग फिर से वापस ऐसे घूम के एग्जिट कर रहे हैं और दीदी और बाबू देख रही है कुछ सामान। चलिए निकलते हैं यहाँ से। पूजा गुप्ता, चीज़ एंड टोमेटो रेगुलर, हाँ
चीज बस्ट खाइए और एक वेज लोडेड। हाँ हाँ वेज लोडेड। तो हम लोगों ने किया है पिज़्ज़ा ऑर्डर, और ऑर्डर करने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, सो थोड़ा घूम लेते हैं उसके बाद फिर वापस जाते हैं और इंजॉय करेंगे हम लोग बेबी पिज़्ज़ा। चक्कर में पिज़्ज़ा खाना पड़ रहा है, ठीक है। डोमिनोज़ को देखते ही ऐसे करते सो हम लोग मॉल में पिज्जा पार्टी ना करके हम लोग कार में पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, है बेबी? हाँ, मॉल चला गया। चलो फिर खा लेते हैं फटाफट, गरम भी है। तो हम लोग आ गए हैं मेगा शॉप और होप करते हैं कि बेबी के यहाँ पे कपड़े मिल जाए। पत्रकारपुरम मेगा शॉप में है हम लोग। सुंदर भी है, सॉफ्ट भी है, सही बात। हाँ वेरी सॉफ्ट। ये अच्छा लग रहा है यार, ये बड़े लोगों का। हाँ बड़े लोगों का, ये मुझे वही दूर से इसके पास। इसकी प्राइस उसी के साथ है क्या? प्लाजो के साथ, 1800 के साथ। हाँ तो जो हम लोग को लेना था वो हम लोगों ने नहीं लिया, जो नहीं लेना था वो हम लोगों ने ले लिया। तो खाली हाथ आए थे, हाथ भर कर जा रहे हैं, बट विदाउट किसी भी मॉल को बुरा ना लगे इसलिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ खरीद लिया। अभी हम लोग क्यों रुके यहाँ पर? अभी राज बोल रहे हैं कि वो हमें कुछ खिलाने वाले हैं। ओके भैया, आप दोनों ने पिज्जा खाया था, मैंने भी खाया था, पर उन्होंने भी खाया था। तो हमारे ऊपर नाम काट कर ऐसा बोल रहे हैं कि चलो कुछ खिला देता हूँ। आप नहीं खिला रहे हो, आपको खाना है। तो भैया आ गए, चलते कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। 450 है। तो निकलते निकलते हम लोगों को एक जगह मिली, अब इसका जो भी नाम है, नाम तो हम लोग को पत्रकार चौराहे गोमती नगर में है। और बहुत अच्छे अच्छे से यहाँ पे कपड़े स्लीपर्स ये देखते हैं, कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है मे भी मिल जाए, ये अच्छा लग रहा है लेकिन भैया ये पिंक वाला। हाँ सुंदर लग रहा है, अंदर ब्लैक कलर का स्वेटर भी पहना। सो अब हम लोग क्या खा रहे दीदी? ये यहाँ के लैंग्वेज में बोली जाती है गंजी, मुझे आज पता चला। और आप क्या बोलते हैं? हम लोग मराठी में रताड़े बोलते हैं। रताड़े, तो मेरे इधर ये गंजी बोलते हैं इसको। और अभी मैं साथ फर्स्ट टाइम मार्केट में खा रही हूँ उसको। ज़्यादा हम लोग घर पे बनाते हैं, कुकर में बॉईल करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आग का अलग ही वो टेस्ट होता है। तो चलिए हम लोग गंजी इंजॉय कर रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, आज मैं जिस काम के लिए गई थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक काम ज़रूर हुआ कि अनिका की ड्रेस ले ली गई शादी के लिए। सो और मेरा जो स्पेशल था वो तो मेरे को खुद ही शौक मिल गया, क्योंकि मैं सिंगापुर मॉल गई थी और सिंगापुर मॉल एकदम बंद हो गया था। सो मैं थोड़ी सी वैसे ही मेरा मूड ख़राब हो गया था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे कहीं किसी और अच्छे से मॉल में या फिर कहीं अच्छी सी जगह जहाँ पे मेरे को अपने स्पेशली बर्थडे के लिए जो भी ड्रेस लेना है अपने लिए वो मैं ले पाऊँ। सो गाइस, आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।